ठीक है भाजी मेरे। हेलो ठीक है मेरे। बाय राम तो जाइए फोन कर दिए पांच बार चले भाई स्पेशल गाड़ी चली है फौजी के लिए। बिल्कुल पतले पतले नू लागे जनु जमा जबक पतले कर रखी है और गल ही गल अपन सफाई भी कर दी है सारी भाई और ये बैठे अपने भाई औका लग रहे पीण है गड्डी का चुन मैं इदा तो कहते गंदे का। हाँ जी सारे भाई ना राम राम भाई स्वागत आपका अपनी एक और वीडियो में। आई होप बढ़िया होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे सारे भाई। और वीडियो की आज आपने शुरुआत कर दी तो आज की वीडियो अपने लिए तो भाई इमोशनल रहने वाली है क्योंकि सारे भाई ना पता चल गया हुआ भाई कि अपना फौजी भाई की छुट्टी है जो पूरी कंप्लीट हो गई है 1 महीने की और आज ड्यूटी पे जाऊंगा तो आप ही सार छुट गया होंगे साथ में अपना भाई मोटा भाई और फौजी तो जावेगा गल है तो वीडियो में बने रहिए और स्किप ना करिए वीडियो ने भाई बहुत मजा आऊगा आज क्योंकि एक घर मदद जो करनू कह ना बोलिया सदस्य कड़िया बाहर जाता हो तो थोड़ा हो ही जाओ भाई स्त्रियां फील सा बाकी मजा होगा वीडियो में भाई। और मोटा भी बिल्कुल तैयार होगा ना आ रहे है भाई और वह जूते पह रहे जो सिटू आना तो लेके आए थे हम ब्लैक शर्ट और ब्लैक जूते। तो चैनल पर जितने भाई नए हैं चैनल कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दिया करो क्योंकि यार बहुत मेहनत लगे वीडियो बनाने थोड़ी और आपका तो बस एक बटन ही दबना है और भी तो आप वीडियो देखो लेकिन कोई अच्छी वीडियो देखने ना मिल जाए भाई आप हो भाई वीडियो भी देखी कोई और 15-20 मिनट का टाइम खराब भी कौन करे तो ये बहुत मायने रखा भाई। मोटा भाई आज भाई मोटे राम राम पूरी बिल आ रहा तो भी नहीं और जमा अमरसपुरी का मुंह आओ तेरा भी कितने का कम है ज्यादा कौन गई फिर तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं फोटो तैर के लिए पूरा टायर बैठ रहा है पूरा टायर कड़ा बैठ रहे इतने कम भी कौन है चला ले मैं चल दी मैं देख लूं ठीक से माफ रहे ध्यान रख सो रिक्का ओके भाई एड़े झरा कदे बगल लग दूध तो आ गए तेरी क्या ठीक से दादी और चल पड़े हैं भाई घर से निकल लिए हैं हवा करवाए के ना भाई निकल लिया गांव से तो आज तो मैं सॉरी की बात बताऊं भाई मैं कि उसी कल शाम ना है ना जिस टाइम मैं फौजी बैग में कपड़े वगैरह डालने लग रहा था उस टाइम उसी देख लिया भाई तो आज सवेरे उठ गया वो लगभग 5:30 बजे और सवेरे उठ के आराम से बैठ गया बेड पर जब लग तो मेरी गल फौजी भी नहीं उठा हुआ उसका गला गला भाई चाहे पलाटमा और चकड़िया जाओ बैर बैठने वो कपीन खातर फौजी कुर्सी ले आता कैट के ना वहां भी पकड़ ली कुर्सी बोलिया नहीं बोलिया नहीं जाना बोलिया उधर और लास्ट में तो दिया बात कह दिया बोलिया जहां भी जाओगे ना बोलिया मन साथ में ही जाना है कितना छोटा बालक है यार फिर भी देख इतनी समझ ले रहे हो माम भी घर से जब लिगड़ गए भाई जब उसका दादा यक्षुना और सोरिक ना बस स्टैंड पर ले गया भाई बड़ा बड़ा है ना तो ईब तो वह तोड़ा गए थे बस स्टैंड का नहीं और मामे घर से निकले थे भाई तो जब वो घर पे वापिस आ गए जब उन दिनों मेरा बटा भाई घर तो कोई भी नहीं ना चाचू और ना पापा फिर है क्या ना सॉरी की देखा पहली तो मैं उसकी बात बताऊंगा अपना वो सारा घर में ना किसी गला बोलता को नहीं घर में है क्या नहीं पहली तो प्लाट में टे गया हुआ चकड़िया भी टोना होती चल लैटरिन बाथरूम में भी कुआड़ कूड़ खड़का के देख लिया अगर जब बंद पाओगे फिर वो अपना मकान मटोगा भाई मैं ऐसम साल में सारा देख के ना फिर रोंदा रोंदा ओठ कट गए ना पूरे नुझा पापा कट गए तो मैं जाके ना दिखाऊंगा अपना उसकी के फीलिंग पाओगी और मैं पूछू भी गाती है भाई कट गया तेरा पापा फिर देगी उसका जो रिएक्शन होगा ओके रहोगा और पैदड़ी जब भी रिएक्शन आपने देखा हुआ जब फौजी छुट्टी आया था मोदी सहार लेके गया था तो एकदम तो मतलब देखते इमोशनल सा गया था हांसी जरूर आती लेकिन वह इमोशनल वाली हांसी थी भाई उसकी तो मामे लिखट लिया भाई फिलहाल ही बनो मानो सिमानी काम से और टाइम है जो हमारा वो पहले की तरह पहले भी 8:20 पर घर तक चले थे और आज चले मामे 8:25 पर घर तक और बस है भाई 9:30 बजे जो एसी कोच वाली है तो मामा जल्दी से जल्दी सार पहुंचना तो गाइज होश क्या तो सीधे ही सार भी मिला पे पहुंच गए गाइज सार में भाई और ये देखो सामने भाई पिकअप में मैं ऐसा डर है अगर आप किसी भी शहर में सिटी में जाएगा ना भाई यार स्त्रियों की चीज दिख जाए ना
तो थोड़ा अजीब सा कौन लगता मोटर ने भाई यार शर्म महस गांव वाले भाई सोच सही है चीज है भाई शर्म महस कुकर आएगी मेरा लाडो जानती हो कैंट की जगह ऐड हो कैंट दियो ले जाओ तो ऐड और इशार तो कौन सा मजा है दी इसका कोपर बिठाना रोज हैरा भी लेना इसका तरह बहुत ध्याड़े महस रखने वाला नवी भाई और बस स्टैंड आ गया भाई इशार का और भीड़ देखो बस स्टैंड के तरह बाकी तो यू सवेरे सवेरे का टाइम था भाई और ये नहीं है ऑटो वाले ये बड़े खतरनाक हो भाई ये भोंकड़ियां फंसा दे क्यों आगे तो यू ऑटो से भीड़ आर नू थोड़ी जगह पै जी बस ओड़े बैठ दे और बस ओड़े को लिखट जे बिल्ली वाली तेरी आई है भी और यू रह गया अपना बस स्टैंड इशार का भाई सामान्य बस स्टैंड सामान्य बस स्टैंड क्या तो लिखा हो भाई और उठाए ले आए भाई झोला झोला और बस बिल्कुल वो सामने लग रही दिखना बैक ले जान लग रहा अरे ये देख अंदर है लीले घोड़े खड़े अंदर है इशार बस स्टैंड पे ऐड भी समझ में कोई आता भाई बस स्टैंड पे बस कोई बहादुर घट को भड़का रोहतक दिल्ली दिल्ली है अरे एक सुपर देख रहे एक मैं लग रहे बोलने नंद भाई ठीक है फिर हेलो ठीक है फिर बाय राम तो जाइए फोन कर दिए पहुंचे पास ले भाई स्पेशल गाड़ी चली है फौजी के लिए वाह जी वाह बहुत बहुत बढ़िया साइट चला रही भाई जब तक हमने एक नंबर का काम ये देख ले भाई यहाँ ऑफिस है भाई यार ये लग रहा दिखा अगर गाड़ी गुड्डी कहीं चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह जाना हो ना मामा भांजा टूर ट्रैवल्स नंबर धारा बल्ला बल्ला सर्च मारते अपने आप आ जाएंगे नहीं ये तो मेन ऑफिस है जो आप साइट पर तो मारा नहीं बुला बुला तो भाई कॉन्टैक्ट का जरिया है कॉन्टैक्ट हो जुड़ता है अच्छा 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 तो ले तो बस स्टैंड तो भाई सारा है मेरे ख्याल 100 मीटर भी को नहीं है 85 मीटर की दूरी हो हाँ हाँ चलो ठीक है भाई ठीक है भाई ओके ब्रो रोडवेज तो मिली क्यों भाई ऐसी कोच तो फौजी ने एक ऐप है भाई गूगल पर सर्च मारी हुआ बला बला उस तो कॉन्टेक्ट हो गया और 100 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड थे अंदर अंदर की बात करा बस स्टैंड के अंदर खड़े थे और तो बस 100 किलोमीटर मीटर की दूरी पे वो गाड़ी वाला ऑफिस था भाई जो मैंने आप लगे दिखाया था तो और तो बुक हो गई और सबसे बड़ी सुविधा यह देखो कि दूर दिल्ली छोड़ेगी और 400 रुपये बस में भी लगभग 270 रुपये यानी 290 रुपये किराया था उसका हाँ 120-130 रुपया फर्क था भाई और बढ़िया गाड़ी में बैठ के जाना रहे से मारा एक तंग को नहीं होना कंफर्टेबल तो भाई यार तो बहुत बढ़िया है भाई यार कड़िया भी जैसा रहा सुविधा भी अलग अलग सारी जगह आवे चंडीगढ़ जाना चाहो कड़िया तो भी कड़िया जाना चाहो आप चाहे कड़िया के भी हो तो सारा सुविधा ही आजकल उपलब्ध है भाई सर्च लगाओ एक बार गूगल पे बला बला ऐप भी एक स्पेशल इनका और तो भाई इनका कॉन्टेक्ट का जरिया है बस और तो आप पूछ सको भाई कड़को गाड़ी आओ कड़को नहीं या तो मैंने भाई जब पूछा भाई बहुत बढ़िया सुविधा दे रही क्योंकि एक सिंगल आदमी अगर जो गाड़ी करके जाओ नहीं तो 3-4 हजार रुपया अलग भी खर्चा है जे और सारा 400 रुपया में निश्चित होकर जाऊंगा भाई तो मैं भी घर जान लग रहे हैं सीधे और अगरवा टोल के पास पहुंचने वाले रहे हैं भाई अगर वो तो गाड़ी घुमाई थी भाई सीधी नंगथला गाने अपने क्योंकि नंगथला तो आप जाओगे सीधे पावड़ा भाई और तम्बाकू खत्म हो रहा है अपना साथ में लेके आऊंगे एक कट्टा तम्बाकू का थोड़ा भाई मोटा के नानके भाई ले भाई एक कट्टा ले लिया भाई साहब और भाई ठीक ठाक राजी खुशी जमा मर लिया कर गोया काम गाने भी चक्कर एक आधी बार तो भी गेड़े अगर यार स्पेशल ले आना बड़ा मोटे और पहुंचा दिया करो यार एक आधी बार जो तारा काम में चक्कर चुकर लाग ना भाई जुकर मेरा अंदाजा 2.5-3 महीने में मेरा कट्टा सिमट जाए अगली गड़ी में तेरे तो फोन करूंगा जो चक्कर लगा है गाम गेड़ के अंदर हुआ गाड़ी में बहुत टाइम लग गया भाई मामने भी ग्राम पहुंच चढ़ी क्योंकि पहली तो सीधे इशार तर नंग थड़ा मगोर बुलानी दिगड़े गाम जाएगा ना भाई पापड़ा भी टाइम लग गया संदौड़ मगोर और ई पे जान ले
लाई रहे भी तो सारा 5-7 मिनट का रास्ता रह गया हमारा और अपना मिस्त्री लाई रहा भाई आज चिनाई वाला तो आया को नहीं वो तो आज छुट्टी मार गया था। चलो वो भी बढ़िया गया भाई आज छुट्टी मार गया क्योंकि अगर दो दो मिस्त्री लाग जाए मगर आता है भाई फिर समस्या हो जाए आज लाग रहा अपना पीओपी वाला मिस्त्री और जाके ना भाई के फोन भी आने लग रहे भाई सामान काटना थोड़ा अंदर था तो इस करके ना शुरू में मैंने बैठक में लगाया और जाके ना देखा है भाई कितना के कुछ काम कर रखा है का पहुंच गए हैं भाई घर पे और अब पूछा है सोरी ना पे हेलो गाड़ी बारे खड़ी करी हां दिन वाला कौन बढ़ती केवा ना खड़ी रहोगे इतना बैर ये ले 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 तो बाहर चढ़ रही है यार इसका है कोई नहीं राम राम दिखाई दिए क्या हो गया भाई सॉरी के हैं डैडी कहाँ गया डैडी एक एक गुड़का मना दो कहाँ गया डैडी डैडी तो फतेहाबाद गया वेरी गुड हेलो कर मेरे लिए हेलो गड्डी अपन बहरे खड़ी कर दी थी भाई तो पीओ पी वाले लग रहे थे तो बैठक में करके ना रेडी कर दी है मैं दिखाता हूँ आपको भाई ये देखो गाइस बिल्कुल पतले पतले इन लागे जनू जमा जापक पतले कर रखी है और गंदा ही गंदा अपन सफाई भी कर दी है सारी भाई और ये बैठे अपने भाई औका लग रहे पीण है गड्डी का चुन मैं इदा तो कह दे कम से कम गड्डी का चुन नहीं सकी कुकर पावा और लग रहे अंदर और ब्रो सत श्री अकाल की हाल है बढ़िया बढ़िया ये लग रहे अंदर भाई और भाई ये देखो भाई टका टुका नहीं लगाया क्या नहीं गिरेगा पक्का है देख लो वीडियो बन रही है टाइम है जो 6:30 हो गया भाई और मन भी काफी टाइम लग गया वो परला जो पाइप मैं कल बताऊंगा कल वाला व्लॉग में वो सारी सेटिंग करके आया लेकिन मिस्त्री बना तो मना कर गया वो बोलिया मैं सवेरे आऊंगा मैं तो अंदर की भी अपना जो पीओपी थी वो कंप्लीट कर गए भाई मतलब यू प्लाट अपना कंप्लीट हो गया पीओपी करके ना ये देखो भाई और मेरी माँ लग रही तारण पातियां गल है नू एकदम थोड़े ना उतरेगा माई यू पूरा खून पी हुआ यू तेरे जुड़ी पर लगर मतलब अपन वो बिछाना पड़ेगा कपड़ा पर लगर मैं फर्श पे कपड़ा बिछा देंगे पहले उसमें थोड़ा इतनी दिक्कत होने हुई थी कि सारा चिप गया पीओपी अरिया आड़े तो उतरने भी मुश्किल है क्योंकि बैठक में तो वही टायर लग रही थी और पाती के ना जुगर नू पूरी सलपसी करा थी पाती एकदम सारी उतर गई थी लेकिन ऐडा तो पाती भी गुंदा हाथ में भी चालन का डर होगा पाती और इसमें दिखाऊंगा मैं अपना बाथरूम में ये देखो भाई बाथरूम में भी कंप्लीट कर गए और नीचे का बुरा हाल तो है जाओ भाई सारा को और ईव सेटिंग वेटिंग करी मैंने खाट खूट सारी अंदर रखी है पंखा भी तैर किया था लेकिन पंखा ही बेगुन चढ़ा दिया पे क्योंकि फिर भाई पुट्टी वाले आ गए मैं भी ऊपर सेट पर मन कर प्रेमर वगैरह मारने लगे और ईव गाड़ी खड़ी करने की सेटिंग करी आज सारा दिन है क्या गाड़ी अपनी बहरे खड़ी भाई ईव टाइम लग गया भाई नहाने में और सारा सामान है ना जो बिखरा पड़ा था भाई सारा सेटलमेंट करके ना और ईव स्नान करे भाई और ईव लिया खाना और आप वीडियो ने बता दिए भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ना सारे साथी जरूर बताइए और चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो भाई फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ में।